ये इतने अहंकारी हो गए हैं बीजेपी वाले, अगर ये 2024 में जीत गए ये संविधान बदल देंगे, उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे देश में। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे नरेंद्र मोदी की जगह। पुतिन ने भी ये कर रखा है कि 35 साल मैं ही रहूंगा राष्ट्रपति, ये आने वाला नरेंद्र पुतिन। ये भाजपा वाले ये चाहते ही नहीं है, इनके बिना किसी और की गवर्नमेंट बन जाए। अगर चुनाव से भाजपा की गवर्नमेंट किसी राज्य में नहीं बनती तो ये उपचुनाव से बना लेते हैं, उसके 25 खरीद लो, 30 खरीद लो, फिर दोबारा उपचुनाव करवा लो। ये चल रहा है बीजेपी भारतीय जुगाड़ू पार्टी, ये जुगाड़ करते रहते हैं कोई ना कोई। तो उसी तरह से दिल्ली में सरकार है, आप लोगों ने वोट डाले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो अगर वो काम ही नहीं कर पाएंगे, अगर वो अफसरों को ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, अगर वो किसी भ्रष्ट अफसर की बदली नहीं कर पाएंगे, उनको सस्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो सिस्टम कैसे चलेगा? ये कहते ही नहीं, हमारा ही बस अधिकार होगा। ये केला दिल्ली की 2 करोड़ जनता का सवाल नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता का सवाल है। दिल्ली में हर प्रदेश का आदमी रहता है, यहाँ कर्नाटक से लोग भी रहते हैं, बंगाल से भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, यूपी से भी रहते हैं, उत्तराखंड से, पूरे देश से दिल्ली में लोग बसते हैं। दिल्ली देश का दिल है। तो इनकी ये हिम्मत कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दें कि नहीं जी अरविंद केजरीवाल की चलने नहीं देंगे, अब ये दरियाओं को रोका नहीं जा सकता मोदी जी, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये आज का इकट्ठ देखकर अरविंद केजरीवाल जी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आप दिलों पर राज कर रहे हैं, इसीलिए इस 42 डिग्री टेम्परेचर में लोग आए हैं। 140 करोड़ लोगों को इकट्ठे होके देश को बचाना पड़ेगा। ये देश शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, सुभाष चंद्र बोस, हजारों शहीदों ने कुर्बानियां लेके ये देश लेके दिया था। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि मैं ही इस पे राज करूंगा, मैं ही इस पे राज करूंगा।